मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। अगर जिंदा रहना है, सुकून से जीना है, तो बोलना पड़ेगा, वरना गूंगों की कहानी कोई नहीं सुनता है। लोग परेशान बढ़ले बा, तो अब का करे के चाहिए वो हम जाने के कोशिश करते नहीं। ये बताई चचा कि बेसिक माने सरकार से चाहे माने का ऐसा चीज़ें चाहिए कि जो एकदम मिल ही के चाहिए, अभी सबसे ज़्यादा कौन चीज़ पे ध्यान देवे के चाहिए अभी? सबसे ज़्यादा मान लीजिए खाने पीने का हमको जरूरत बा, दोसर का बा अभी? अच्छा, गवर्नमेंट के तरफ से खाने पीने का कोनो कौन ना अभी नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, तो गांव के लोग जो लेके आओ डोनेट करके चंदा, तो उन लोगों के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता बकावा कि रौरा लोगन खाती का लेके जाई, का लेके जाई? जैसे चूड़ा उड़ा लाओ तनी ना, ज्यादा फायदा भी नहीं हो पावा ना, तो रौरा लोगन बाढ़ से प्रभावित बनी। तो हकीकत आप बताएं कि का चीज वो लोग लेकर आई कि जो भी वो इतना मेहनत से कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका ज्यादा फायदा हो पाए? जैसे कैंडल मोमबत्ती हो गई, किंडल मोमबत्ती हो गई, माचिस हो गई, रात में लाइट तो नहीं रहत, बिजली मोमबत्ती कहाँ मिल बा? अच्छा अच्छा, मोमबत्ती तो मोमबत्ती वगैरह अगर लेकर आई तो ज़्यादा फायदा हो सकता। और इसके अलावा आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा, ये जो टीम बांट रही है ये लोग ला के दिए सलाई मोमबत्ती हो के चाहिए, खाने में अगर कल लेके आई तो ज़्यादा फायदा हो जाए? खाना में चावल रोटी पूड़ी सब्जी ये बोले भूजा 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 चले ठीक बा, भूजा और बढ़िया भी सही रहे, चिवड़ा वगैरह ठीक बा, भूजा मन बढ़िया चीज बा, भूजा बढ़िया बा। अच्छा अच्छा, तो ये सब बात है, चिवड़ा से कोई उतना ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, पानी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, पानी तो खाली एगो नलका वहां जागल बात है ऊपर बात है, तो वही से सारा लोग पानी पियत है। गवर्नमेंट के तरफ से जैसे कितना जगह पर टैंक ना आ जाला? ना कोनो सुविधा नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से, कोनो सुविधा नहीं है। देखले भाई टैंक लागा रहला गवर्नमेंट लागे, कोनो सुविधा नहीं है ऐसा गवर्नमेंट के तरफ से, कोई सुविधा नहीं गवर्नमेंट के तरफ से, कोनो सुविधा नहीं, कोनो सुविधा नहीं गवर्नमेंट के तरफ। और यो बात जो टॉयलेट होला तुरंत जी लायल लावल जा सकता? कोनो बात नहीं है, जैसे टॉयलेट करे में दिक्कत होती तो यहाँ ला के लगा दिए जाये और फिर सारे लोग जब टॉयलेट कर ली फिर ओकरा के लेके जा सकता? उम्मीद बा विधायक से, उम्मीद बा कि मुखिया से, उम्मीद बा कि यहाँ के मुख्यमंत्री है? मुखिया से कहा जाता तो उनको कोनो सुनवाई नहीं, कोनो सुनवाई नहीं के मुखिया से कहा जाता नहीं सुनत मुखिया। अच्छा, मतलब मान ली कहते हमरा मान के नहीं के मुखिया, उनका मान के नहीं कहते हमरा मान के नहीं। अच्छा, मेरा एक एज ए सजेशन है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारा फंड आता है तो अगर इमरजेंसी आ जाता है तो उस फंड को और कहीं लगाया जा सकता है कि नहीं? अगर ऐसा है तो इसके अलावा मुखिया के पास, विधायक के पास पता नहीं कितने सारे फंड होते हैं, अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर इस हालात में लगाया जा सकता है तो मैं ये बोलूंगा कि उन सारी जो भी जो दूसरा फंड है उसको यहाँ लगाया जाए, ये मेरा एक सजेशन है। तो विधायक हैं, विधायक कभी आए हैं आप लोगों से मिलने? नहीं, नहीं, नहीं आया विधायक कभी, अभी नहीं आया है, कोई नहीं आया। ना, अच्छा, कोई नेता नहीं आया। अच्छा, ये बताई ये बाढ़ आ गई एक जिम्मेदार के बा? जिम्मेदार केकरा के बताओ जा, बिहार सरकार के जिम्मेदार माना था? तो उनका से का अनुराध करता नहीं श्री नीतीश कुमार से? और का मांग बा हमनी के का कहल जे कौन मांग मांगो कहला पे मिल जाए ना मिल पाए? सब घर दुआर दहा गए, सब घर सब राशन खेत बाड़ी सब दहा गई, कुछ नहीं के हम निकल खाए के, कुछ नहीं के, कुछ नहीं के। तो सरकार के तरफ से सुनने अकाउंट में पैसा आइल बा? ना, हमने कोनो खाता में कुछ नहीं किया है। हां, 6000 रुपया देने का भी सरकार बोला है लेकिन आप लोग अभी नहीं मिला है? ये तरह के कोनो अकाउंट में पैसा वैसा कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं मिला है, खाली है भाई लोग जो मदद करता है चिवड़ा चाउर भात रोटी वह मिलेगा हमने के, दूसर कुछ और केहू से उम्मीद नहीं ना, कुछ से ना। चलिए क्या किया जाए। अच्छा अच्छा, की बताई? अच्छा, पहले अपन समस्या बता दी। समस्या ये बा, मास्क दो कोरोना बा, पहले कोरोना से सतर्क रह जरूरी बा। अच्छा ठीक बा, ठीक बा, बताई समस्या। समस्या ये बा जे हेत चक्का मौजा बा सुरवल, एगो यहाँ कल बा, दूसरा कोई कहा लावर, इतना दिन में एगो कल के साधन बा, इतना सफर में एगो कल बा, आज जेकर घर द्वार गिर गई बा उ कब तक ले रोड पर रही? कब तक ले रोड पर रही? तो मैंने जो जेकर जिम्मेदार बा जैसे जो यहाँ के सरकार बा, जो बिहार के सरकार बा, तो उकरा से रउरा का मांग कर हमार, तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी बने बांधवा बनवावे के जी, तो जिम्मेदार तो वह बड़े जी, तो उनका से का मांग करता नहीं सरकार से?
सब कुछ के हमारा कमी बता मांग सकता नहीं, कल यहाँ चाहिए। अभी तो घर पर कोई जा पाई ना, जेकर घर गिरल बा घर के साधन चाहिए लगे तो कुछ बाना सब कोई बराबर के बाना। अकाउंट में पैसा वैसा नहीं किया है ना अभी तक ले कोई के अकाउंट में पैसा के अकाउंट में कोनो सरकार के तरफ से कोई के ना। अच्छा एक और चीज, गांव में जो लोग बांट रहे हैं, गांव के लोग जो जिस गांव में बाढ़ से प्रभावित नहीं है, वहाँ के जो नौजवान कमेटी है वो लोग जो जब वो पैसे कलेक्ट करके उनके उनके सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम इनके लिए क्या लेकर जाएं, तो ये हकीकत बताएंगे इनको क्या मिले तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि चूड़ा चूड़ा चबाने में चबाने के बाद प्यास लगती है, प्यास लगने में इतने सारे लोग हैं यहाँ रोड पे और एक कल है, तो इन चीज ये प्रॉब्लम है। तो कई गांव में हमारी बात हुई, कई गांव में हमारी बात हुई, सारे यही बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है उनके पास कि लेकर जाएँ ये बाढ़ प्रभावित वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या लेकर जाएँ, तो ये बेहतर बता सकते हैं कि इन्हें मतलब क्या ला के दिया जाए ताकि वो उसका ज्यादा फायदा उठा पाए। मतलब खाए में जो सामान वामान लेकर आओ तीनो कौन चीज लेकर आई से हमने के कि ज्यादा उसे फायदा होके। ठीक है, खाना तो सब कुछ आता है यहाँ पर। अच्छा मतलब दीपक में अगरबत्ती मोमबत्ती आज भर मिलल बा, अन्हारा सब कोई रहा था। अन्हारा मतलब कैंडल होके के चाहिए, लालटेन तो तेल ओल के ना, कोई के लगा साधन नहीं के। मैंने हाँ ये एक पॉइंट की बात है कि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो कैंडल अगर आप लेकर आ रहे हैं तो ज़्यादा फायदा हो पाएगा, क्योंकि जो भी हम लोग इतने मेहनत से डोनेट कर रहे हैं लोगों से ले रहे हैं तो उसका जो ये लोग प्रभावित हैं ये ज़्यादा फायदा उठा पाएँ, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट निकल के आया कि सलाई होनी चाहिए, इसके अलावा कैंडल होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ जी। चिवड़ा तो रोज बटाता है, चिवड़ा रोज बट मतलब चिवड़ा उतना कौनो, चिवड़ा तो मतलब कोई उतना खा नहीं पाते हैं, चिवड़ा कोई उतना खा नहीं पाता, खाने आदत भी नहीं है। नहीं हाँ, ये भी बात सही। रोटी उटी मिलते हैं, सतुआ भुजा मिलता है, नहीं सतुआ रहेगा तो कोई खा लेते हैं, भुजा है चना उना का तो खा लेता है। अच्छा अच्छा, सतुआ भुजा, सतुआ भुजा मिले, बिस्किट वगैरह ये सब ठीक बा, बिस्कुट हाँ बिस्कुट सतुआ भुजा। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी एक पाउच हम लोग देते हैं, कितना पानी बांटेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरा एक राय है कि गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा भी प्रोवाइड कराया जा सकता है, जो पानी की टंकी वगैरह होता है, जो पानी के ला के टैंक यहाँ लाया जा सकता है, इसके अलावा जो पर काना टॉयलेट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा, अब इतने सारे लोग रोड पे रह रहे हैं तो टॉयलेट कर रहे हैं तो गंदगी फैलेगा, इसके लिए जो वो भी उस तरह का टॉयलेट होता है जो मतलब मोबाइल टॉयलेट ऐसा उसको हम लोग कह सकते हैं, अगर वो यहाँ व्यवस्था कराया जाए तो ये जो हमारे हमारे ही जैसे जो लोग हैं ये अभी इस हालात में अच्छे से रह सकते हैं। ये बताओ, बच्चों से थोड़ा बात कर लेते हैं, आप लोग बताइए क्या दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है? बाढ़ से नहीं हो कहत, का करे के बा इन फ्यूचर, मैंने कोनो ख्वाब बा कुछ बने के बा? हाँ। का बने के बा? डॉक्टर इंजीनियर टीचर बने के बनू? हाँ। तो अब सोचिए ये इन बच्चों का ख्वाब है और ख्वाब इस सिचुएशन में कैसे ख्वाब पूरा होगा, इस सिचुएशन में ये ख्वाब देखेंगे क्या? अगर हाँ। तो इनको बाढ़ का ट्रेनिंग दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है ये बाढ़ से झेलेंगे, इस प्रॉब्लम से लड़ेंगे या पढ़ाई के लिए बड़ा ख्वाब देखेंगे, इनका ख्वाब कैसे पूरा होगा इस हालात में, कोरोना कोरोना उसके बाद बाढ़ और बाढ़ के अलावा फिर इतनी कड़ी का धूप, इसके अलावा बारिश भी हो रहा है, तो इतने सारे प्रॉब्लम में ये बच्चे क्या क्या ख्वाब देखेंगे। तो यही सब बात है, जो भी बात है मैं आपको एक एक बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आपका एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सच जहां तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचे। हमारे साथी रेहान के साथ मैं नदीम अलग अंदाज़।